हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सूजी और पनीर का ये स्पेशल स्नैक्स। ये एकदम यूनिक रेसिपी है। नए तरीके से बनने वाले ये पकोड़े खाने में बहुत लाजवाब लगते हैं। ये रेसिपी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन में एक कप दूध लिया है। इसमें डालेंगे हम एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अरे, दूध के ऊपर तो हार्ट शेप ही बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा कप ग्रेटेड गाजर, एक मीडियम बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक टीस्पून ग्रेटेड अदरक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर, आधा कप सूजी, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टेबल स्पून। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये एक डो फॉर्म में ना आ जाए। और ये देखिए, ये काफ़ी थिक हो गया है और इसने पैन छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है, तो ये एक डो फॉर्म में आ गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इस तरह से इसको फैला लेंगे। इसकी हम थिक लेयर रखेंगे। इसकी साइड्स को इस तरह से करते हुए हम इसे स्क्वायर शेप में कर देंगे। ऊपर से भी इसको अच्छी तरह से इक्वल कर देंगे। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। पकौड़ों के लिए हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर बोल में 1.5 कप बेसन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला बैटर तैयार करेंगे, जिस तरह से हम पकौड़ों का तैयार करते हैं। आप ध्यान रखें कि बैटर में लम्स नहीं पड़ने चाहिए। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। आपको जिस भी शेप में पकोड़े बनाने हैं, आप उसी शेप का इसको कट कर सकते हैं। यहाँ हम इनको स्क्वायर पीसीज में कट कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से बर्फी की पीसीज की तरह ये कट करके निकल रहा है। और ये हमने सारे पीसेस अपने कट कर कर निकाल लिए हैं। और अब हम एक पीस लेंगे और उसको बैटर में इस तरह से कोट करेंगे। और यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है और फ्लेम को भी हमने मीडियम पर किया हुआ है। पकौड़ों को हम इस तरह से ही कोट करके ऑयल में डालेंगे। इनको सीखते हुए थोड़ी सी देर हो गई है, अब हम इनको पलट देंगे। इनको हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे।
और ये हमारे पकोड़े सिककर तैयार हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के पकोड़ों को भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने कुछ पकोड़े तैयार कर लिए हैं। एक पकोड़ा आपको कट करके दिखाते हैं। और ये देखिए, इसकी फिलिंग कितनी अच्छी आई है। ये पकोड़े खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी इन्हें ज़रूर घर पर बनाइए और अपनी मनपसंद चटनी के साथ खाइए। ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि नॉर्मल पकोड़े तो हम बनाकर खाते ही रहते हैं। तो इस बार आप इस नई रेसिपी से पकोड़े ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।